डिंडौरी में बस यूनियन ने अवैध ऑटो संचालन के खिलाफ डिंडौरी आरटीओ से की लिखित शिकायत। बिना परमिट के ऑटो पर कार्रवाई की मांग। डिंडौरी जिले में बस यूनियन संघ ने जिले में चल रहे बिना परमिट के चल रहे अवैध ऑटो के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर बस यूनियन संघ ने डिंडौरी आरटीओ को लिखित शिकायत किया गया है। बस यूनियन संघ की मांग है कि बिना परमिट के अवैध ऑटो जिले भर में चल रहे हैं, जिससे बस संचालकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बस यूनियन की मांग है कि अवैध ऑटो संचालन में कार्रवाई नहीं हुई तो 16 अगस्त से बस बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। आरटीओ कार्यालय थे, क्या समस्या थी? हम लोगों ने परसों ज्ञापन दिया था माननीय कलेक्टर महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को और आरटीओ महोदय को कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो अवैध ऑटो संचालन हो रहा है बसों के आगे, अगर वो बंद नहीं होंगे तो हम लोग 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्या आश्वासन मिला? इस तारतम्य में माननीय आरटीओ साहब थे, हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब थे, एडिशनल एसपी साहब थे, उन्होंने हमको एक हफ्ते का टाइम दिया है कि आपकी जो भी ऑटो अवैध चल रही हैं उन पर कार्रवाई होगी और बसों को भी वैध रखा जाएगा।